कल गिरफ्तार कर लिया है और कहा जा रहा है कि इसकी आंख बहुत जल्दी सीएम तक भी पहुंच सकती है। देखिए, ईडी और सीबीआई एक स्वतंत्र संस्था है और वो जांच करती है। जांच में जो लोग दोषी पाए जाते हैं उनकी गिरफ्तारी होती है। और कहने के लिए तो विपक्ष यही कहता है कि हमको फंसाया जा रहा है। भाई, 140 करोड़ में कुछ ही लोग इसमें क्यों आते हैं? घेरे में वही लोग आते हैं जिनके ऊपर शक होता है, ईडी सीबीआई का शक होता है, कोई क्लेम होता है तो जांच करती है। जांच में जो लोग दोषी पाए जाते हैं उनको गिरफ्तार करती है, जो निर्दोष पाए जाते हैं उनको छोड़ देती है। यही तो ईडी सीबीआई का काम है। सर, कहा जा रहा है विपक्ष की पार्टियों द्वारा खासकर कि क्योंकि चुनाव आने वाला है इसलिए कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को दबाने की कोशिश है, इसलिए ऐसा किया जा रहा है। देखिए, चुनाव तो 12 महीने हो रहे हैं, कभी ग्राम पंचायत चुनाव, तो कभी निकाय चुनाव, तो कभी बाई इलेक्शन, तो कभी विधानसभा के चुनाव, तो कभी लोकसभा के चुनाव, तो ये बराबर तो कोई महीना तो ऐसा नहीं हम देख रहे कि जब चुनाव न हो रहा हो। तो ये तो विपक्ष के लोग परेशानी सुनाते हैं कि ये सत्तासीन लोग रहे हैं और स्वाभाविक है कि सत्तासीन रहे हैं तो कहीं ना कहीं घेरे में हैं। आप अगर उठा के देखेंगे कि जो विपक्षी एकता बनी है, सारे लोगों के एक बयान आ रहे हैं, ईडी और सीबीआई का डर। क्यों डर रहे हो भाई? जब आप साफ सुथरे हो, ईमानदार हो, कोई आपने चोरी नहीं की, किसी तरह की हेरा फेरी नहीं की, तो फिर ईडी सीबीआई से डरते क्यों हो? खुल करके मुकाबला करो, ईडी सीबीआई क्या करेगी? ये चाहिए, लेकिन अब डरते हैं तो इसका मतलब कि कोई न कोई बात कहीं है जिससे आप लोग डर रहे हो। डर के सारे विपक्ष के लोग इकट्ठा सिर्फ इसी नाते हुए हैं कि हम लोग ईडी सीबीआई से सरकार बना लेंगे तो बचेंगे। यही ना उनका उद्देश्य है? उनका उद्देश्य देश का विकास नहीं, उनका उद्देश्य गरीबों के उत्थान का नहीं है। उनका एक उद्देश्य, सिर्फ उद्देश्य है कि ईडी सीबीआई से हमारी जान बच जाएगी, हम लोग आराम से रहेंगे। बस इतने के लिए वो सब लड़ रहे हैं।